हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे मांग का प्रसार, मांग का संकुचन, मांग में परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने देखा था मांग का नियम, ठीक है। तो आज का जो सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अगर आप इसे ठीक से नहीं समझेंगे, इसे आप रट तो सकते नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है नाउ। लेकिन उससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों ही अवेलेबल हैं। ऑफलाइन जो बैचेस हैं वो भोपाल और रांची सेंटर के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस जो है हमारे, आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पे रीच आउट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मांग का नियम, तो बड़ा सिंपल था। मांग का नियम क्या था कि वस्तु की कीमत जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी डिमांड घटेगी, और वैसे वर्षा, मतलब अगर कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ठीक है। वहां पे एक चीज आप लगा देंगे कि वस्तु जो है सामान्य वस्तु, अभी वो बाद में देखेंगे, वो टॉपिक ही बात का है कि निकृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, वो अभी उसको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं मांग का प्रसार और संकुचन। मांग का प्रसार और संकुचन, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी होता है क्या है, तो देखिए मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है वस्तु की कीमत। इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, उपभोक्ता के रुचि में परिवर्तन आ गया, स्थानापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ गया, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ गया, भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका, कीमत घटने की आशंका, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज है एक कीमत। अब अगर आपका फोकस, आपका केंद्र बिंदु सिर्फ कीमत है, और कीमत में परिवर्तन की वजह से, परिवर्तन का मतलब है वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, कीमत में परिवर्तन के कारण अगर आपको कोई मांग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उस परिवर्तन को बोलेंगे मांग का प्रसार या मांग का संकुचन, ठीक है। बहुत ध्यान से, सिर्फ कीमत की बात हो रही है, कीमत के अलावा आप जितने भी फैक्टर्स मांग को प्रभावित करते हैं, उनमें अगर परिवर्तन की वजह से आपको मांग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप उसको बोलेंगे आप मांग में वृद्धि या मांग में कमी। इसे गांठ बांध लीजिए, ये कहीं लिख के रख लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे आप समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेट में आया हुआ है। अब हम लोग एक टेबल से समझते हैं। सपोज एक वस्तु है एक्स, ठीक है, यहां पे एक्स की कीमत हम लिखते हैं, और इधर लिखते हैं एक्स की मांगी गई मात्रा, एक्स की मांग। वस्तु की कीमत जब 10 रुपए थी तो उसकी मांगी गई मात्रा थी 2। ये जब 5 रुपए हो गई घटके, तो डिमांड मांग के नियम के अनुसार क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, हो गया 6, 2 से बढ़ के 6 हो गया। जब ये 2 हो गया कीमत घटके, तो मांग और बढ़ गई, हो गई 10। तो हम छोटा सा ही टेबल लेंगे, और इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक
ठीक है, तो ग्राफ जब अगर प्लॉट करेंगे इसका रेखा चित्र, ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इस पे ये शून्य है, यहां लिखते हैं 2, 4, दो, चार, छ, 8 और 10। इधर हम वस्तु की मात्रा को दिखा रहे हैं, इधर हम वस्तु की कीमत को दिखाएंगे। कीमत कैसे है आपका? कीमत है 2, 4, 6, 8, 10। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा, यहाँ हम लोग बस समझने के लिए बना रहे हैं मोटा मोटी। अब कैसे ड्रॉ करते हैं? ये जो एक्स एक्सिस में है मांग की मात्रा है, और वाई एक्सिस में क्या है? कीमत है। तो एक्स पे जब वैल्यू 2 है, एक्स पे जब वैल्यू 2 है, उस समय वाई की क्या वैल्यू है? 10। तो ये है 10। अब इन दोनों को मिलाएंगे, आप इधर बढ़ाइए और इसे ऊपर बढ़ाइए, तो जहां पे ये कट करेगा मोटा मोटी यहां पे कट करेगा, तो एक बिंदु आपने यहां बना दिया। ठीक है, अब जब वस्तु की कीमत 5 थी तो मात्रा कितनी थी? 6। तो 6 पे आप बनाएंगे 5, तो 6 पे 5 करीब करीब इतना आएगा मोटा मोटी। वस्तु की मांग जब 10 है, उस समय कीमत क्या है? 2। तो 2 पे कितना है? 10। 2 पे 10। ठीक है, तो हमने जो बिंदु है वो ड्रॉ कर लिया। अब इसे मिलाएंगे, तो ये जो मिलाएंगे और जो लाइन बनेगा, इसी को बोलते हैं मांग वक्र। ठीक है, नाम दे देते हैं हम लोग इसको, बोलते हैं डी, और ये भी है डी, ये हमारा मांग वक्र है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हम बीच वाला प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं। ये जब वस्तु की कीमत 5 है और उसकी मांगी गई मात्रा कितनी है? 6। अब कीमत को आप बढ़ाइए, कीमत बढ़ा के आप ले गए ऊपर 10, तो डिमांड कितनी हो गई? 2। तो ये हो गया इधर, मतलब ये इधर की ओर बढ़ रहा है। कीमत को घटाइए, कीमत को जब हमने घटाया है, कीमत 2 हो गई, तो मांगी गई मात्रा कितनी हो गई? 10। तो ये तो हमने टेबल के हिसाब से बना दिया, तो आप कुछ भी वैल्यू ले लें बीच में जो मांग के नियम को फॉलो करता हो। जैसे यहां कीमत अगर घटाएंगे तो मांग उस हिसाब से बढ़ेगा, तो ये जो बिंदु है ना, ये कभी इस रेखा को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो इसी में कहीं ना कहीं एडजस्ट होते रहेंगे। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, या तो इस तरफ बढ़ेंगे या इस तरफ बढ़ेंगे, इस रेखा को छोड़ के इधर उधर नहीं भागेंगे, मतलब इस तरफ या इस तरफ, ये इसी बिंदु इसी रेखा में या तो ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर आएंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं, ये मान लीजिए एक छोटी सी रेखा थी, तो ये इधर बढ़ेगी, तो अब क्या बोलेंगे? इसका विस्तार हो रहा है। या अगर ये रेखा थी, अब ये घट रही है, तो अब क्या बोलेंगे? इसका संकुचन हो रहा है। यहां पे सिर्फ कौन सा फैक्टर है? सिर्फ और सिर्फ कीमत, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कीमत में परिवर्तन के चलते जो मांग में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? मांग का प्रसार या मांग का संकुचन। आपने देखा था, ये लाइन छोड़ के नहीं जा रहा था, इस रेखा को छोड़ के नहीं जा रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया होगा। इसे बोलते हैं मांग का प्रसार या मांग का संकुचन। अब मांग में परिवर्तन और कारणों से भी हो सकते हैं। मांग में परिवर्तन और भी कारणों से हो सकते हैं। सपोज माना हमने कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई, स्थानापन्न वस्तु की कीमत घट गई या बढ़ गई, पूरक वस्तु की कीमत घट गई या बढ़ गई, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें हम अब कीमत को नहीं लेंगे। तो कीमत में कीमत को छोड़ के बाकी अन्य कारणों के चलते अगर मांग में कमी या वृद्धि होती है, मांग में परिवर्तन होती है, तो उसे हम बोलेंगे मांग में वृद्धि या मांग में कमी। ठीक है।
इस केस में जब ग्राफ बनाएंगे ना तो एक ही लाइन पे वो इधर उधर बिंदु शिफ्ट नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाएगा दूसरी तरफ, या तो बाई ओर या दाई ओर। उसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया हमने कि उपभोक्ता की जो आय थी वो पहले 5,000 रुपये थी, अब उसकी आय जो बढ़ के हो गई 8,000 रुपये हो गई, ठीक है। तो जैसे ही आय बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो डिमांड बढ़ा देगा, और यहां एक्स की कीमत और यहां रखेंगे एक्स की मांग, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, अभी इतना अच्छा से नहीं बन पाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बस थोड़ा हैंडराइटिंग। नाउ एक्स की कीमत क्या है हमारा, मानते हैं ये 10 है और ये 10 है, क्योंकि अब कीमत में आप बदलाव नहीं करेंगे, कीमत वाला गया, वो मांग का प्रसार और मांग का संकुचन था, कीमत आपका सेम ही है 10 से 10। अब क्या हो गई, उपभोक्ता की आय बढ़ गई। अब जरा आप मांग वक्र बनाइए, इसमें मांग था 15, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग तो बढ़ा देगा, तो मांग कर दिया उसने 20, ठीक है। आप उल्टा सीधा मत खींच दीजिएगा, मतलब ये जो टेबल जो अनुसूची है वो आपको ध्यान से रख के बनाना है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो मांग को बढ़ा देगा। तो अगर आप यहाँ उल्टा लिख दें, कुछ घटा दें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका अगर हम बनाए वक्र तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे तो रहेगी मात्रा वस्तु की एक्स अक्ष पे, वाई पे वस्तु की कीमत। अब जरा इसे बनाइए, ठीक है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, इधर हो गया 5, 10, 15, 20, इधर भी बढ़ाते हैं 5, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ग्राफ पेपर में ये अच्छे से बनेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस एक रफ आइडिया, 10, 15, 20 और 25। पहली बार में क्या है, वस्तु की कीमत जब 10 है तो मांग की मात्रा जो है वो 15 है, मतलब 15 पे वो 10 है, 15 पे 10, आप यहां कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। दूसरा जो है, मात्रा जब 20 है उस समय कीमत तो सेम ही है, तो 20 वाला क्या है, यहां है, और वो 10 यहां है। अब देखिए सेम लाइन में नहीं आ रहा है, उस वाले में वो लाइन छोड़ के नहीं जा रहा था। अभी वक्र बनाएंगे ना, आप लाइन जो बनाएंगे, रेखा बनाएंगे, तो ये यहाँ है, ये यहाँ नीचे टच नहीं करता है, टच नहीं कराएंगे, ठीक है। और ये जो नई वक्र बनी वो यहाँ बन गई, मतलब ये जो है ना, इस तरफ जो है ये शिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है। तो आपने क्या किया, उपभोक्ता की आय जब बढ़ी तो उसने डिमांड को बढ़ा दिया, और जो मांग वक्र है वो खिसक कर दाई ओर आ गई, ठीक। ये मांग के संकुचन में और मांग के प्रसार में वो एक लाइन को छोड़ के नहीं जा रहा था, उसी लाइन पे आगे पीछे हो रहा था इस तरह से, जबकि यहां क्या है, ये लाइन छोड़ के एक नया लाइन ही बना लिया, किस तरफ, दाई ओर। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से जो मांग में परिवर्तन यहां आया वो कीमत के अलावा है, इसलिए आप इसको बोलेंगे मांग में वृद्धि, ठीक है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय घट जाती, यहीं पे हम लोग ले रहे हैं, जो 5,000 था ना, 5,000 से आप नया कर ली और उसको वैल्यू को घटा दीजिए, 5,000 से उपभोक्ता की आय घट के हो गई सपोज 2,000। वस्तु की कीमत सेम है, वस्तु कीमत में आप बदलाव मत कीजिएगा, ठीक है। तो 5,000 में वो 15 की डिमांड कर रहा था, 2,000 में वो किसकी डिमांड करेगा, हो सकता है वो मांग घटा दे, जरूर घटाएगा, वो डिमांड कर रहा है 8 की। तो आप 10 में देखिए, 8, 10 ये है और 8 करीब करीब यहां आ रहा है, मोटा मोटी इक्वल।
अब इसे आप ड्रॉ करेंगे ना, तो ये इनिशियल पॉइंट को छोड़ के चला गया ये, और किस तरफ आ गया, अपनी बाई ओर। ठीक है, मतलब अगर उपभोक्ता की आय में कमी आ रही है तो मांग वक्र किधर खिसक जाएगा, बाई ओर। ठीक है ना, अपने लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा। और उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि हो रही है तो मांग वक्र किधर खिसकेगा, दाई ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और इसी को बोलते हैं मांग में वृद्धि या मांग में कमी। तो ये मांग में संकुचन और मांग में प्रसार से अलग है। मांग में संकुचन और मांग में प्रसार सिर्फ कीमत के चलते होता है, कीमत के अलावा अन्य कारणों से जो वृद्धि या कमी हो उसे आप मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने इससे देख लिया। अब मांग में वृद्धि को आप क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि को आप दो तीन कारणों से और बोल सकते हैं। मांग में वृद्धि आप बोल रहे हैं, पहले ये तो ग्राफ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये ग्राफ बहुत जरूरी है, इसके बिना ना आप ना मतलब एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो ये जरूरी है ग्राफ को समझना। अब मांग में वृद्धि अब हम कैसे बोलेंगे, मांग में वृद्धि कीमत हमारी सेम है और आपने मांग बढ़ा दी। दूसरा, कीमत में कमी कर दी आपने, कीमत में कमी कर दी और मांग जो है वो स्थिर रह जाए, तो ये जो दो चीजें हैं ये मांग में परिवर्तन के कारण है। ठीक है, मांग में वृद्धि किसके लिए है, नियत कीमत पर मांग की मात्रा अधिक हो जाए, मतलब कीमत वही है, मांग की मात्रा बढ़ गई आप बोलेंगे मांग में वृद्धि हो गई, कीमत वही है लेकिन मांग की मात्रा घट गई तो आप बोलेंगे मांग में कमी आ गई। दूसरा, आपने कीमतें बढ़ा दी लेकिन मांग की जो मात्रा है वही की वही रही तो आप बोलेंगे मांग में वृद्धि हो गई। दूसरा, आपने कीमत कम कर दी लेकिन मांग की मात्रा वही रह गई तो भी आप बोलेंगे मांग में कमी आ गई, क्योंकि ये मांग के नियम में क्या बोलता है, कीमत अगर घटाएंगे तो मांग बढ़ना चाहिए था। एक, तो मेरे ख्याल से ये दो जो चीजें हैं, मांग का प्रसार और मांग का संकुचन, और दूसरा मांग में वृद्धि और मांग में कमी, ये रेखा चित्र के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मांग की लोच निकालने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।